हेलो गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर इश्कबाज शो के बारे में। यहाँ पर बात करें तो आपको अनिका और शिवाय की जोड़ी देखने को मिली थी, और इस जोड़ी को लेकर एक्साइटमेंट फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर नकुल मेहता शिवाय का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो अनिका का कैरेक्टर प्ले करती हुई नज़र आई थी सुरभि चंदना, और दोनों एक साथ फिर से नज़र आ सकते हैं, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। तो जी हाँ, इस शो का सीज़न 2 आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। गुल खान का ये शो रहा है, और गुल खान बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं ऑन एयर होने वाले हैं उनके स्टार प्लस पर भी और अदर चैनल्स पर भी। अब देखना यह है कि गुल खान का ये जो न्यू प्रोजेक्ट है, क्या सच में आपको इतनी जल्दी देखने को मिलने वाला है, और क्या एक बार फिर से यही स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेगी, या फिर सीजन 2 में आपको यहाँ पर स्टार कास्ट चेंज देखने को मिलने वाली है। वैसे तो अगर बात करी जाए तो नकुल मेहता और सुरभि चंदना की जोड़ी के बारे में, तो शिवाय और अनिका के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। इतना लंबा टाइम इन्होंने यहाँ पर इन दोनों ने साथ में बिताया है, करीब 3 साल तक ये शो ऑन एयर रहा है, तो इस बीच शो ने जो है बहुत ज़्यादा TRP हासिल करी थी। तो डेफिनेटली ये जोड़ी दोबारा से लौट कर आना तो इस जोड़ी का बनता है, और यहाँ पर मेकर्स को इन दोनों को ही कास्ट किया करना चाहिए। अब देखना ये है कि अब मेकर्स फैसला क्या लेने वाले हैं। फैंस तो यही चाहते हैं कि ये दोनों ही साथ में देखने को मिले, लेकिन मेकर्स क्या चाहते हैं तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि इस तरीके से जो आपकी डिमांड चल रही है, ऐसे में देखा जाए तो उम्मीद करी जा रही है कि आपको सीजन 2 में यही स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। नकुल मेहता का फिलहाल करंटली ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि शायद नकुल मेहता एक बार फिर से शिवाय का कैरेक्टर प्ले करते हुए नज़र आ जाए। वहीं बात करें सुरभि चंदना के बारे में, तो वो भी कहीं देखने को मिल नहीं रही हैं, और काफ़ी टाइम से लोगों ने इंतज़ार उनका कर रहे हैं। शेर दिल शो के बाद से वो कहीं देखने को नहीं मिली किसी भी प्रोजेक्ट में। फैंस एक्साइटेड हैं उन्हें देखने के लिए। उम्मीद है कि अनिका का कैरेक्टर एक बार फिर से वो प्ले ज़रूर करना चाहेंगी, क्योंकि उसी कैरेक्टर ने उनको घर घर में पहचान दिलाई है, एक अलग यहाँ पर TV इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनी हुई है, नाम फेम सब कुछ मिला। तो डेफिनेटली ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।